हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का मतलब 12 बज रहे हैं और मैं अपनी वीडियो जो है 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। काम मेरा सारा खत्म हो चुका है घर का। और आज जो है मैं आपको अपनी वीडियो में अपनी जो मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आजकल सभी के पास होती है और आजकल चल भी यही रहा है क्योंकि अच्छी लगती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पार्टी फंक्शन वगैरह में अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी, मेरा जो ज्वेलरी कलेक्शन है मैंने जो पूरा टेबल पर अपने लगा दिया है अपने टेबल पर। ये देखिए मैंने पूरा टेबल पर जो है इनको लगा दिया है। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये है जो मेरी ज्वेलरी टेबल पे लग चुकी है और अब एक एक करके मैं जो है अपनी ज्वेलरी आप सबको दिखाऊंगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरे पास मतलब काफी पुराने जो नेकलेस हैं, काफी पुराने हैं, जब तो क्या कहते हैं 10 साल पहले भी मेरे पास नेकलेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये वाला ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर का है और इसके एयररिंग्स भी मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ खो गए हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा लगता है ऐसा पहनने के बाद। तो पहले जो है पुराने मतलब ये चलते थे तो ऐसे ये चलते थे और ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये नेकलेस ब्लू कलर का है। ये तो मेरे पास एक ब्लू कलर की ड्रेस थी उसके ऊपर मैंने ये लिया था नेकलेस और अभी ये काफी पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी इसकी शाइनिंग देखिए कितनी शाइनिंग है अभी भी इसमें, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये मैंने यहीं पर अपने यहाँ के लोकल मार्केट से लिया था, मदनगिरी मार्केट है हमारे यहाँ पर, तो ये मैंने वहां से लिया था। तो उस टाइम ये आया था 150 का आया था और इसके इयररिंग्स भी थे, टीका भी था, बट वो मुझे अभी मतलब मिसिंग हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे करके काफी अच्छा लग रहा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला। तो ये भी देखिए, ये मेरा मतलब मेरे शादी के टाइम का है, शादी से भी पहले का है आई थिंक। ये मैंने अपनी जो होती है ना गोद भराई उसमें पहना था। तो ये देखिए, ये भी काफी अच्छा लगता है, पुराना हो गया है बट फिर भी अच्छा लगता है। ये देखिए, तो इसके भी इयररिंग्स वगैरह सब हो चुके हैं क्योंकि काफी पुराना है ये। तो ये देखिए, ये भी अच्छा लगता है। और अब दिखाती हूँ आपको दूसरा नेकलेस, एक ये वाला देखिए, ये वाला ये देखिए और ये इसको ऐसे पहनते हैं। तो ये मतलब मुझे ऐसे वाले नेकलेस काफी अच्छे लगते हैं जो व्हाइट स्टोन या व्हाइट मोती वाले होते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और उसके इयररिंग्स भी हैं, अभी मैंने इसको बंद नहीं किया है। और ये है इसके इयररिंग्स, ये दिखाती हूँ मैं आपको, गिरना जाइए मैंने बंद नहीं किया है। तो ये है इसके इयररिंग्स, ऐसे है इसके इयररिंग्स। और ये मुझे पड़ा था 200 का, तो काफी अच्छा लगता है मुझे ये वाला नेकलेस व्हाइट कलर का। ये देखिए, तो साड़ी वगैरह पे मेरे बहुत अच्छा जाता है, जो भी मैं अगर लाइट कलर की कोई साड़ी पहनती हूँ तो उस पर काफी अच्छा जाता है। और और इसमें पूरे जो है व्हाइट मोती लगे हैं, यहाँ पर व्हाइट मोती लगे हैं, यहाँ पर भी बीच में जो है स्टोन लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइल्ड स्टोन लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा लगता है मुझे ये। और ये है इसके इयररिंग्स जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया। ये हो गए मेरे तीसरा नेकलेस। और दिखाती हूँ आपको, और एक ये देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है लेकिन ये काफी पुराना है, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, इसके भी इयररिंग्स वगैरह जो खो गए हैं वो भी। और ये ऐसा है, इसको रानी हार बोलते हैं, जिससे मैंने ये नेकलेस लिया था दुकान वाले से, तो उसने कहा था कि ये रानी हार होता है और उसके कान के भी थे तो, बट वो मिसिंग हो गए, काफी पुराना हो चुका है लेकिन ये भी 10 साल हो गए हैं इसको, तो 10 साल पहले मैंने ये लिया था। और ये मुझे 250 का पड़ा था क्योंकि उस टाइम ये बिल्कुल न्यू चला था, तो काफी महंगा पड़ा था, मतलब 250 का पड़ा था। और अच्छा है, ये देखिए इसमें स्टोन लगे हुए हैं, ये वाले स्टोन लगे हुए हैं इसमें, और इसमें पूरे व्हाइट मोती लगे हुए हैं। ये यहाँ पे जो ये है माला, इसमें व्हाइट मोती लगे हुए हैं और इसके नीचे
मुझे भी ये यहाँ पे भी व्हाइट मोती लगे हुए हैं और यहाँ पे स्टोन लगे हैं, तो काफी अच्छा लगता है मुझे भी। ये मेरा फोर्थ नेकलेस है। और दिखाती हूँ आपको। और हाँ, एक ये वाला देखिए, ये भी है नेकलेस। तो ये मेरे जो मैं प्रिंटेड साड़ी वगैरह पहनती हूँ या कुर्ते पहनती हूँ तो ये उन पे चलता है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं आएगा ये ऐसे खोलकर, ऐसे करके ऐसे आता है ये। तो ये ऐसे पहनती हूँ मैं, ये भी अच्छा लगता है। और उसकी जो इयररिंग्स है वो काफी छोटे छोटे हैं, तो वो रखे हुए हैं मेरे पास में, तो मुझे ये काफी अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर। और ये वाला आई थिंक मल्टी कलर में सबके पास होना चाहिए। आपको कुर्ता पहनना है या प्रिंटेड कोई साड़ी पहननी है तो उसके ऊपर काफी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये है मेरा एक और नेकलेस। तो ये मेरा फिफ्थ नेकलेस है, ये मुझे बहुत काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, पास देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है इसका, मल्टी कलर में है ये। और यहाँ पर इसमें मोती लगे हुए हैं। और ये इसके साथ ब्रेसलेट है, इससे मैचिंग ब्रेसलेट है ये वाला। ये देखिए ब्रेसलेट है, तो ये काफी अच्छा लगता है। और ये मुझे 200 का पड़ा था, तो काफी अच्छा लगता है मुझे। मैंने ये SM से लिया था, सरोजनी नगर से लिया था, पहन के काफी अच्छा लगता है। और हाँ, ये देखिए, एक ये भी है मेरा नेकलेस, ये है गोल्डन कलर का है। तो ये मैं भी, ये भी मैं आपको पहन कर दिखा देती हूँ। न्यू है अभी, मैंने नहीं पहना इसको एक बार भी। तो अभी आ रही है करवा चौथ, तो मैंने सोचा है कि मैं उस पर पहन, करवा चौथ पर इसको पहनने वाली हूँ, और काफी अच्छा लगता है। और ये है इसके इयररिंग्स, ये है इसके इयररिंग्स, तो काफी अच्छा है ये। और ये मुझे पड़ा था 250 का ही पड़ा था, ये भी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो क्योंकि इसमें ये देखिए पूरा गोल्ड का वर्क है, नीचे गोल्ड के ये जो है मोती लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 व्हाइट मोती लगे हुए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे गोल्डन कलर के मोती लगे हुए हैं। और ये देखिए इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं कहीं कहीं, ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये मैंने अपने वहाँ के फ्राइडे मार्केट से लिया था, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। ये देखिए, ये मुझे काफी अच्छा लगा था। ये देखिए, ये मेरा मतलब जो है फेवरेट नेकलेस है, इन सारे नेकलेस में ये मेरा फेवरेट है, ये देख सकते हैं आप। और चलते हैं दूसरे, और एक ये है मेरे पास जो इयररिंग्स हैं, ये हैं। तो ये देखिए काफी बड़े बड़े हैं इयररिंग्स, और ये भी SM से ही लिए हैं मैंने। ये देखिए, तो ये SM से लिए हैं, ये 300 के पड़े थे मुझे SM से, तो काफी अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। ये देखिए, ये मैंने मैं इनको एक बार पहन चुकी हूँ, पिंक कलर का लहंगा है जो मेरे पास, उसके साथ मैं इनको पहन चुकी हूँ, तो काफी अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है इसमें व्हाइट मोती लगे हुए हैं, और ये रेड, सॉरी पिंक कलर के ये स्टोन लगे हुए हैं। आपको वैसे रेड कलर के दिख रहे हैं कैमरे में, बट ये रेड नहीं है, पिंक रानी जो कलर होता है, रानी कलर के हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी रानी कलर के लगे हुए हैं, और ये बीच में गोल्डन कलर के स्टोन लगे हुए हैं इस पे, तो काफी अच्छे लग रहे हैं ये मुझे। और ये मुझे 300 के पड़े थे SM से, ये भी मेरे जो है इयररिंग्स में जो है फेवरेट है, तो ये भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ये है टीका, ये टीका लिया था मैंने इसके साथ में, तो ये काफी बड़ा है लेकिन अच्छा है, लगाने के बाद अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसको ऐसे लगाते हैं, और ये ऐसे पहनती हूँ, तो काफी अच्छा मतलब जो है लुक आता है। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये और टीका मुझे जो है 150 का पड़ा था, ये टीका, ये है मांग टीका। ये देखिए, एक मोती, ये मुझे 150 का पड़ा था, ये देख सकते हैं आप, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें जो है व्हाइट मोती लगे हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, और ये गोल्डन कलर का, और यहाँ पे फूल टाइप में ये बने हुए हैं,
व्हाइट मोती से ही बना हुआ है ये भी, तो ये काफ़ी अच्छा है। मुझे ना मतलब जो भी नेकलेस ज्वेलरी वगैरह होती है तो उसमें व्हाइट मोती का जो काम होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी टीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये भी मैंने एसएमसी से लिया था और 150 का लिया था। तो और दिखा देती हूँ आपको, और एक ये है चाहते हैं तो आप इसको पहन सकते हैं ऐसे करके। और ये है इसके एयररिंग्स, देखिए ये मल्टी कलर में है, ये मल्टी कलर में है, तो ये भी काफी अच्छा लगता है। आपकी सभी ड्रेसेस पे चल जाता है और साड़ी पे भी चल जाता है, तो कभी मतलब जैसे हल्का सा कुछ पहनना हो तो ये पहन सकते हैं। मुझे ये भी काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मोती लगे हुए हैं कलर के, और यहाँ पे ये झुमके टाइप का लगा हुआ है जिससे जो आगे इतना दिखता है ये, तो ये भी काफी अच्छे लगते हैं इयररिंग्स मुझे मल्टी कलर में, तो मेरी सभी ड्रेस पे ये चल जाते हैं। और हाँ आपको मैं ये बता देती हूँ, ये वाली जो इयररिंग्स है इनको चांद वाली इयररिंग्स बोलते हैं, मतलब चांद वाली बोलते हैं क्योंकि ये चांद की शेप में बनी हुई है, तो काफी अच्छी लगती है ये वाली। और दिखा देती हूँ मैं आपको एक नेकलेस, एक और नेकलेस, ये जो पहले था नेकलेस था मतलब मेरा, तो इसका एक स्टोन यहाँ से निकल गया है, तो निकल गया है, तो ये इस मतलब नेकलेस तो मैं इतना नहीं पहनती थी, और इसकी जो चेन थी वो टूट गई थी, तो मैंने इसको मंगलसूत्र टाइप में बना लिया है, तो इसको मैं ऐसे पहन लेती हूँ, ऐसे पहन लेती हूँ, तो ये ऐसे भी अच्छा लगता है। और इसके इयररिंग्स दिखा देती हूँ मैं आपको, ये वाले हैं इसके इयररिंग्स जो कि इतने शाइनिंग करते हैं, इतनी शाइनिंग अब तक भी, ये देखिए इतने शाइनिंग करते हैं, इनको लिए हुए मुझे 4-5 साल हो गए हैं, हाँ 5 साल हो गए हैं मुझे लिए हुए, तो ये मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और इनमें पूरा जो है ये व्हाइट स्टोन लगे हुए हैं, तो काफी अच्छे लगते हैं। इसका आप टीका भी बना सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका टीका, तो इसका टीका भी बना सकते हैं, बट मैं इनको ऐसे भी पहन लेती हूँ तो अच्छे लगते हैं। और ये मैंने मंगलसूत्र बना लिया था इसको, तो ये चल जाता है मेरा ऐसे, तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे कुछ आपका नेकलेस की चेन टूट गई है, या मतलब नेकलेस में छोटा है, नेकलेस में पहनने का मन नहीं है, तो मैं इसको ऐसा बना लिया था, मंगलसूत्र टाइप में बना लिया था, तो व्हाइट स्टोन, और इसका एक स्टोन यहाँ पर निकल गया है, तो ये मुझे लगाना है, इसको मैं लगाऊंगी, वो ग्लो स्टिक आती है उससे मैं इसको लगा दूंगी, तो ये ठीक हो जाएगा। और दिखाती मैं आपको अपना ये वाला, ये भी काफी हल्का है, छोटा सा है नेकलेस जो है मेरा, तो इसके इयररिंग्स वगैरह मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं, बट ये भी काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये भी आप छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हैं। और इयररिंग्स तो मैं कोई भी इसके साथ चला लेती हूँ, वैसे रखे हुए हैं इसके इयररिंग्स, बट अभी नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो मैं ये आपको सिर्फ नेकलेस दिखा रही हूँ, तो ये भी अच्छा लगता है मुझे नेकलेस, व्हाइट स्टोन लगे हुए हैं इसके, और ये जो गोल्डन कलर की ये पत्ती शेप में इसमें लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। और ये मुझे 150 का पड़ा था, इसको भी काफ़ी दिन हो गए नेकलेस के लिए हुए, तो अभी जो ज्वेलरी है जो नए में मैंने खरीदी है, तो ये वाली है, तो जो चांद वाली दिखाई है मैंने, तो ये वाली मेरी न्यू है जो मैंने अभी खरीदी है। और एक ये है, ये भी मैंने अभी नहीं पहना है, ये पहना नहीं है मैंने एक बार भी, तो ये मेरी न्यू ज्वेलरी है। और ये देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है, छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हैं इसको भी, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। और ज्वेलरी में मेरा एक ये भी आता है, तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या दिखा रही है, तो ये है मेरा क्लिप मोर वाला, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये बालों में लगाने के लिए, तो यहाँ से खुल जाता है और बालों में लगा लेते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये 20 रुपीज़ में मिल रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि एक ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये मोर की शेप में है, हाँ ये देखिए, ये मोर की शेप में है,
ये अच्छा लग रहा था मुझे। और इसमें इसमें भी मल्टी कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, व्हाइट है, रेड है, सारे कलर है, मल्टी कलर है, मतलब सब पे चल जाएगा ये। और अब जो बचा है मेरा लास्ट और सबसे बड़ा नेकलेस बचा हुआ है तो वो है ये देखिए। तो ये मैंने जो है अपने भाई की शादी में खरीदा था, और ऐसी मेरे पास साड़ी भी है ऐसे कलर में, उसमें व्हाइट स्टोन और रेड स्टोन लगे हुए हैं। तो ये नेकलेस पड़ा था मुझे 400 का पड़ा था, और मुझे काफी अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है ये पूरा जो है, इससे गला मेरा भर जाता है, और ये मेरा सबसे हैवी वाला जो बोलते हैं ना नेकलेस है वो वाला है। तो मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ, ये देखिए ये ऐसे पहनते हैं इसको। तो ये भी काफी अच्छा लगता है, आप मतलब साड़ी पे लहंगे पे इसको पहन सकते हैं। तो काफी पुराना हो गया वैसे तो, आजकल न्यू ज्वेलरी आ रही है पहनने के लिए। और इसके साथ में इयररिंग्स भी हैं, ये वाले, ये देखिए ये वाले इयररिंग्स हैं, और ये वाले, ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप प्लीज कमेंट करके बताना। तो ये वाले इयररिंग्स हैं इसके, और ये मुझे वैसे उसने 500 का बोला था, लेकिन मैंने ये अपने ही यहाँ की एक शॉप से लिया था, तो ये मुझे 400 का पड़ गया था। और उसके साथ में ये भी है टीका, जिसके कि कुछ मोती निकल गए हैं, तो ये टीका भी है, और ये है इसके इयररिंग्स, ये देखिए ये है इसके इयररिंग्स। तो ये देखिए ये है इसके इयररिंग। तो ये वाला जो नेकलेस है वो मुझे मतलब अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है, पर अभी ये ज्यादा हैवी है तो हैवी नहीं पहना जाता, बट फिर भी ये मुझे अभी भी काफी अच्छा लगता है। और मैं जो है इनको, इसको मैंने जो है संभाल कर रखा हुआ है काफी। तो ये देखिए आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, व्हाइट इसमें स्टोन लगे हुए हैं, बीच बीच में ये मैरून कलर के जो है स्टोन लगे हुए हैं। तो फिर बताइए आप लोग सब कमेंट करके मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरा ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा। और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ अपनी जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो शेयर कर सकते हैं, और इनमें से कौन सी मतलब कौन सा आपको जो है नेकलेस ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और बस आज का और मैंने अपना मेकअप भी किया है, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, पहले मॉइस्चर क्रीम लगा के थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, और लाइनर भी, ये देखिए लाइनर भी लगाया है मैंने, और मस्कारा लगाया थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल लगाई है, बिंदी लगाई है, और लिप शेड लगाया है मैंने, रेड कलर में लगाया है क्योंकि इस सूट पे जो है मेरा रेड कलर जा रहा था। और जितने भी आपकी ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी पहनते हो आप, जब तक आप मेकअप नहीं करोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा आपको मेकअप के साथ अपना ज्वेलरी जो है ज्वेलरी कलेक्शन में आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं निकाल देती हूँ, मुझे लग रही है काफी गर्मी, तो इसको मैंने निकाल दिया है। और कैसी लगी आप, हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और हाँ, जो मैंने अपना जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन आपको दिखाया, तो वो मैंने आपको, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद जो आपकी ज्वेलरी कैसी भी ज्वेलरी है वो अच्छी लगती है और मतलब उसी के साथ खिलती है। तो मैंने थोड़ा सा कर लिया था मेकअप, मॉइस्चर क्रीम लगाई है, और मैंने लगाया फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद लगाया मैंने लैक्मे का फेस पाउडर लगाया है, और उसके बाद लगाई है मैंने सिर्फ आईब्रो पेंसिल, लाइनर लगा लिया है, मस्कारा लगाया थोड़ा सा, और फिर लगा लिया लिप शेड। तो बस इतना ही मैंने किया था मेकअप, और लगा लिया रेड कलर की बिंदी, तो जो कि मेरे सूट पे जा रही थी काफी अच्छी। तो और कैसा इन सब में से आपको मेरा जो नेकलेस है वो कौन सा अच्छा लगा है, को नहीं भी अच्छा लगा तो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और तो चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और थैंक यू सो मच, बाय।